स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको ने फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपने डायल पैड में जाना। डायल पैड में जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला आपका कॉल हिस्ट्री, दूसरा आपका ऑप्शन सेटिंग, और यहाँ पर आपको हेल्प एंड फीडबैक का तीसरा ऑप्शन देखने को मिला। तो गाइस हम अपने फ़ोन में अपनी स्मार्ट कॉल सेटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पर कॉलर आईडी एंड स्पैम, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सी कॉलर एंड स्पैम आईडी के ऑप्शन को ऑन करना होगा। यहाँ पर आपको फिल्टर स्पैम कॉल इस ऑप्शन को भी आपको ऑन कर देना है। तो गाइस बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉक नंबर, तो आपको ब्लॉक नंबर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अननोन नंबर के ऑप्शन को ऑन करना होगा। इससे क्या होता है, जो आपके फोन में कॉन्टैक्ट सेव नहीं होते हैं वो आपके नंबर ब्लॉक हो जाते हैं इस ऑप्शन को ऑन करने से। अगर आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर को आपको ब्लॉक करना, तो आपको ऐड नंबर पे क्लिक करना, उसका नंबर यहाँ पर डाल देना इस तरीके से, यहाँ से उसे ब्लॉक कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने फोन में अपनी कॉल ब्लॉक कर सकते हैं। तो कहीं बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडवांस सेटिंग, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ्लेस ऑन कॉल करनी है, तो इस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको फेस डायलिंग नंबर करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉल फॉरवर्डिंग, जैसे कि किसी नंबर की कॉल फॉरवर्ड आप अपने नंबर पर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉल वेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडवांस सेटिंग, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करके यहाँ से आप अपनी कॉल वेटिंग भी कर सकते हैं। तो इस बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबर नोट इन योर कॉन्टैक्ट को जब आप ऑन कर देंगे, तो आपके उन नंबरों की कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है जो आपके फ़ोन में सेफ नहीं होते हैं। गाइस अगर आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर को आपको किसी पर्सनल नंबर की आपको रिकॉर्डिंग करनी है, तो आप सेलेक्ट नंबर पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चूज़ एक कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके उसका नंबर वहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो गाइस बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट वे नेम फॉर्मेट चूज थैम तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट वे पर क्लिक करने हो। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं फर्स्ट नेम एंड सुर नेम, तो गाइस आपके जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो आप फर्स्ट नेम से शो करना चाहते हैं रखना चाहते हैं यहाँ पर सुर नेम से, तो आप सुर नेम से रखना चाहते हैं तो सुर नेम पे क्लिक कर देंगे, वरना फर्स्ट नेम से करना चाहते हैं तो फर्स्ट नेम पे रहने देते हैं। तो गाइस पे आते हुए करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है नेबरी प्लीज, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेबरी प्लीज के ऑप्शन को ऑन कर देना, यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को भी ऑन कर देना। तो गाइस बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है किक यू रेस्पॉन्सेस, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे एप्लीकेशन, यहाँ पर कई सारे एसएमएस मिल जाते हैं। तो जैसे कि आपके पास किसी व्यक्ति की कॉल आती है, आप किसी मीटिंग वगैरह में बिजी, इसकी कॉल नहीं उठा पा रहे, जब आपको टाइम मिले तो आप उसे यहाँ से एसएमएस कर सकते हैं। तो गाइस बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर अगर आपको अपनी अलार्म का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो रिंगटोन भी लगा सकते हैं। यहाँ से कई सारे साउंड अपने चेंज कर भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो गाइस बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल, तो आप वॉइस मेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं सर्विस एंड नंबर, तो वही नंबर पर हम क्लिक करेंगे। जिस नंबर पर अपनी वॉइस मेल भेजना चाहते हैं उसका नंबर डालेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वॉइस मेल नंबरिंग हैज़ बीन अपडेटिंग, तो आपको जो वॉइस मेल आपको रिकॉर्ड करनी है यहाँ पर उसे ओके करके इस तरीके से भेज देना है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी वॉइस मेल भेज सकते हैं। तो गाइस बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्लिप टू साइलेंट के जब ऑप्शन को आप ऑन कर देते हैं, इससे क्या होता है, जैसे कि आप चाहते हैं किसी व्यक्ति की आपके नंबर पर कॉल आती है, तो आपकी जो रिंगटोन बजती है वो खुद ब खुद ऑफ हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे कि आपका फ़ोन टेबल पर रखा, जब आप अपना फ़ोन फ्लिप कर देंगे यानी कि उल्टा कर देंगे, तो आपको ये ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपकी जो रिंगटोन बजती है वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी फ़ोन फ्लिप करने से। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी स्मार्ट कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।